बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ की ही हैं अल्लाह आपको खुश रखे, दुनिया और आखिरत की भलाई दी आसानी अता फरमाए, और जो बीमार है रब्बुल इज्जत उसे दे शिफा दे। नाज़रीन मैं आगे बढ़ने से पहले बेगम हुकुम का भी सलाम इशारा दुआ करें। नाज़रीन आप देखते होंगे नए बहन भाई आने वाले ट्रेन की मिसेस बोलती नहीं था, तो वाकई नहीं बोल सकती, सुन भी नहीं सकती, और हमारा वक्र अभी तक दूर पी रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, आज जो है हमारी इस वीडियो के अंदर आपको दो वीडियो और मिलेगी, वो देखिएगा, और टाइम ही छोटी वीडियो बना रहा हूँ, कोशिश करते हैं हर वक्त हम छोटी वीडियो बनाते हैं, और दुआ करनी आप लोगों ने कि मेरे चाचू वफात पा गए हैं और उनका इजाजना तो 5:30 बजे है इंशाल्लाह असर की बात की फौरन बाद, उसमें हम शिरकत करेंगे। आप लोगों ने दुआ करनी है अल्लाह उनकी मफर फरमाए, उसके दर्जा बुलंद करे और उनके बच्चों को सब्र जमील अदा करे। बीमार थे और कुछ दिन हॉस्पिटल में रहे और आज तकरीबन 11:30 बजे ऐसी वफात पा गए, और साथ में यहाँ पे इफ्तारी का इंतजाम कर चुका था, गोश्त भी ले आया था चिकन। अब ये कि वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह वो देखेंगे, मुख्तसर वो वीडियो होगी, उसमें मैं पूरी डिटेल शेयर नहीं कर सकूंगा, क्योंकि उधर हमने माजनादे में सारे वहीं चले गए, मेरे अबू भाई चाल बाकी चाचू भी भतीजे भी वहीं चले गए, इसलिए माजरत इस वीडियो में आपने दो वीडियो और देखनी है, तो आपने हमारे साथ भरपूर सपोर्ट कर दी, जितना मेरे पास फंड होता है उस हिसाब से मैं लोगों की खिदमत करता हूँ डेली। यहाँ मेरे पास 10, 12, 8, 5, 6 इस तरह खवातीन आ जाती है, बुजुर्ग बहुत शर्मिंदगी होती है, और जिनके पास जाते हैं वो अलग से बात, जो हमारे पास खुद आ जाती हैं और उन्होंने किसी की फरियाद माजूर बच्चे उनके होते हैं, कोई आंखों से ब्लैंड, कोई नबीना, फिजिकल माजूरी, और कुछ खवातीन बेवा और उनकी जवान बच्चियां हैं, छोटे बच्चे हैं, लेकिन जितना मेरे पास फंड होता है मैं उसी हिसाब से ही काम करता हूँ, मेरे पास इजाफी फंड नहीं होता, इजाफी फंड हो तो मैं उनकी खिदमत कर सकता हूँ। आप वीडियो पूरी देखिएगा। नाज़रीन मैं आगे बढ़ता हूँ, जिस फैमिली के पास मौजूद हूँ, ये एक माँ जो है बेवा भी है, उनके शोहर वफा पा चुके हैं, उनका ये डेथ सर्टिफिकेट है, मैं आपको जरा स्क्रीन पर दिखाता हूँ, आप देखिएगा, उनकी एक ये जवान बच्ची बैठी है, इनका हाथ कटा हुआ है, बच्चे जरा हाथ ऊपर करना, ये देखें इसकी हाथों की उंगलियाँ कटी हुई हैं आगे से, जिस तरह ये मेरा है अंगूठा है बचा हुआ और कुछ नहीं, और ये राशन जो है हमारी एक माँ है यूके से, उनकी तरफ से फराम किया गया, बाकी ये खानदान दुआएं देता रहेगा, जरा इनसे पूछते मरीज होगी अपने भी मसाइल की परेशानी है बताएंगे। अमां ये दोस्तों तरह बेटे कितनी है? बेटा है। अच्छा दे, तो ये बेटियां शादीशुदा एज भी बैठी कुआरी है इनकी शादी ना थी होली वजह बेटी आप पर फिराद करने बेटी खाने बेटी नहीं इन्हीं हाथ कटे कटा की वजह तो शादी कोई नहीं करा रहा शादी कोई नहीं करेगा ये हाथ की वजह तो जी जी देखिए नाज़रीन इस खानदान में कितनी मुश्किल है कि इनका हाथ सिर्फ इतनी उंगलियां कटी गई हैं और तो कुछ नहीं अपने घर का कामकाज करती है इनके अबू इतनी फानी से जा चुके और इनका एक भाई है मैंने मजदूरी करता है किसी के पास ना जानवरों को घास वगैरह ये डालता है कोई 8-10 हज़ार तनख्वाह मिलती है उस पर अपना गुजारा करते हैं इनके साथ आप लोगों ने तावन करना है और बाकी इनका रूम है और ये खस्ता हालत में दीवारें वगैरह भी जो है इस वक्त जो है बिल्कुल वो सीमेंट वगैरह गिर चुकी है जो इनकी पहले माजी की हुई थी दोबारा इसकी संभाल वगैरह इन्हें और भी बहुत सारे मसाइल की जरूरत है इनके साथ आप लोगों ने तावन करना है। अच्छा बताऊँ कोई चीज़ जरूरत सिलाई मशीन या ना नाज़रीन यहाँ हम राशन दे के जा रहे हैं उस घर को लेकिन ये फैमिली को बीच में नहीं दिखाएंगे अल्लाह ताला बस कबूल करे अल्लाह सानिया फरमाए। ये है इनका राशन। नाज़रीन आपने उन दोनों वीडियो के क्लिप देखे ये राशन हमने तस्लीम किया था जरूरतमंदों में अब वक्त जाएगा आ जाओ बेटा आ जाओ आ जाओ इधर आप अच्छा बच्चे क्या मानते चाचू क्या कहेंगे आ जाओ। तो यहाँ आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि नए बहन भाइयों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया हुआ
जिन्होंने क्या उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने भी किया उनका भी शुक्रिया। आप हमारे अवसर है काबिल एहतराम, बेगम को पुकार से सलाम दुआ करें, और मेरे चाचा जी के लिए दुआ करना, अल्लाह उनकी मफर फरमाए। रमजान मुबारक का आज 27वां रोजा है और आज के ही दिन वफात पाए और आज उनका 5.5 दिन बाद जनाजा होगा। अल्लाह उनके बच्चों को सब्र जमील अदा करे। आप सबसे स्पेशल गुजारिश है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास यहाँ पे सुल्तान ये है, मैं जानता हूँ, अल्लाह जानता है। डेली 10-12-15 बुजुर्ग ऐसी देख उम्र आ जाती है, मुझे बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। मेरे पास जब फंड नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, माजत करके खत्म बात। और जी चाहते हैं क्या मैं उनकी जरूर खिदमत करें, लेकिन मेरे पास वसे नहीं है उतने, मैं करूँ। मेरे पास आपकी तरफ से फंड आएगा तो मैं लोगों की खिदमत करूंगा। दरअसल मैं अपने जिले के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं अकेला काम कर रहा हूँ और यहाँ कोई नहीं है यूट्यूबर, और मुझे बकदा लोधरा ही नहीं, बकदा आस पास जो इनकी लोधरा को सरहदे लेती है, मुल्तान की लेती है, लुधियाने की लेती है, उनके तहसील जलालपुर पीरवाला, तहसील मेल सिंह, तहसील फुजाबाद भी है, मुल्तान के भी कुछ इलाके हैं। हमारा वक्त जो दूध मांग रहे थे देते हैं, वो देते हैं, इसे दूध देते हैं। नजरीन एक और बात, बेगम मेरी क्या कह रही है, ये देखेंगे ये टूटी हुई है, उसके हलवाई है, उसका पल्ला टूट गया था, दोबारा रिपेयरिंग के काबिल नहीं है क्योंकि उसकी चादर जो है ये सारी उखड़ गई है, और उस तरफ भी वो पल्ला भी टूटा हुआ है, एक वो भी टूट गया है, वो भी टूट गया है। चले मैं आंसर ले लूंगा, हाँ बहुत ही नहीं मैं ले इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह, और दुनिया और आखिरत की भलाई दे, और चाचा जी की मफर फरमाए, दर्जा बुलंद करे, वर्षा को सब्र जमीन अता करे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।